विकासखंड रामपुरा अंतर्गत नदिया पार का क्षेत्र अत्यधिक पिछड़ा एवं प्रतिवर्ष बाढ़ सहित अनेक दैवीय आपदाओं से रूबरू होकर अनेक कठिनाइयों से जूझता रहता है। नदिया पार के सिद्धपुरा में लाखों रुपए की लागत से बहुउद्देश्यीय प्राथमिक ग्रामीण सहकारी समिति भवन का निर्माण कराया गया, जिसका उद्देश्य नदिया पार के ग्राम सिद्धपुरा, नरौल, विलौड, जखीता, सुल्तानपुरा, डिकौली, जागीर, मिर्जापुर, जागीर, रिठौरा, लक्ष्मणपुर, कदमपुरा, रठौरनपुरा, छोटी भीड़, जखीता, हुकुमपुरा, अंगदेल, मड़ैया, कुसेपुरा, चांदपुरा सहित अनेक गांव के किसानों की कृषि हेतु खाद का वितरण कराया जाना है। लेकिन नदिया पार के दर्जन भर से अधिक गांव के लोगों के हितों को नजरअंदाज कर अधिकारियों की मिली भगत से सिद्धपुरा सहकारी समिति के सचिव राजेंद्र सिंह यादव नदिया पार के गांव के हिस्से की खाद का वितरण सिद्धपुरा से लगभग 10 किलोमीटर दूर रामपुरा नगर में ही अपने चाहने वाले लोगों को वितरण कर अपने कर्तव्य की तृष्टि कर लेते हैं। उक्त संदर्भ में ग्राम पंचायत सिद्धपुरा के ग्राम प्रधान श्रीमती सर्वेश देवी, ग्राम प्रधान मिर्जापुर जागीर श्रीमती चंद्रावती पाल, अरविंद सिंह प्रधान हनुमंतपुरा, श्रीमती लाली देवी प्रधान जिकौली जागीर, विजयराम प्रधान रठौरनपुरा, रविंद्र सिंह जिला महा सहमंत्री सहकारी, भारतीय किसान संघ सहित लगभग आधा सैकड़ा से अधिक लोगों ने जिलाधिकारी जालौन को संबोधित प्रार्थना पत्र में उक्त समस्या से अवगत कराते हुए नदिया पार की खाद सिद्धपुरा सहकारी समिति भवन से वितरण कराए जाने की मांग की। उक्त संदर्भ में साधन सहकारी समिति के अध्यक्ष प्रेम नारायण चतुर्वेदी एवं सचिव राजेंद्र सिंह यादव से पूछे जाने पर उन्होंने बताया कि समिति से ग्राम हनुमंतपुरा, जखेता, बिलौड़, सुल्तानपुरा गांव में भी संबंध है।